स्वागत है आप सभी का बिहार खबर में। मंगलवार को हुए कैबिनेट मीटिंग में 17 एजेंडों पर सरकार ने लगा दी है मुहर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से एजेंडों पर मुहर लगी है और कितनी बहाली आने वाली है बिहार सरकार के द्वारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार में 45,852 पदों पर होगी बहाली। कैबिनेट में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली सहित 17 एजेंडे पास हुए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के खर्च के लिए 7.42 अरब मंजूर। अब खबर विस्तार से। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट ने 40,518 प्रधान शिक्षकों और 5,334 प्रधानाध्यापकों के पदों के सृजन करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अधीन प्रारंभिक शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 5,334 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द भर्ती विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें बिहार औद्योगिक सुरक्षा बटालियन में सृजित पदों के पुनर्नामांकन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। बिहार छोवा अधिनियम 1947 की धारा 8 के अधीन राज्य में उत्पादित छोवा के मूल्य निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। बिहार में ऑनलाइन सेवाएं अंतर्गत की ई मापी के कार्यान्वयन के लिए सभी 534 अंचल 101 अनुमंडल और सभी 38 जिलों के लिए 711 ईपीएस मशीन खरीद करने के लिए 42,66,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की प्रथम किस्त के कुल 7,41,80,00,000 रुपए की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरित एवं व्यय की मंजूरी दी गई है। 2021-22 से 2025-26 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली टाइट एवं ऑन टाइट अनुदानों को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरित एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। तो यही है पूरी अपडेट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 एजेंडों पर मुहर लगी है मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में।